नमस्कार मित्रों, कंप्यूटर एंड एंड्रॉइड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो फिर आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आपका पेटीएम का बैंक अकाउंट को पेपल के साथ कैसे लिंकअप कर सकते हो और देन किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो यार, मैंने देखा बहुत सारे लोग उनका बैंक अकाउंट को पेपल के साथ लिंकअप तो कर लेते हैं, लेकिन सही तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाते, तो जिसके कारण उनके सामने दो चार प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो गाइज, मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ आपको कम्प्लीटली प्रोसेस, कैसे आपका बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है, कैसे आप आपका पैन कार्ड को लिंकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस रेड सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके तुरंत सब्सक्राइब करो। तो चलो आप वीडियो देखो। तो फिर फर्स्ट ऑफ आप अपने पेपल के अकाउंट पर लॉगिन हो जाओ। लॉगिन होने के बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को कंफर्म कर लो। तो फिर उसके बाद आप ऊपर एक ऑप्शन देखिए, पेमेंट मेथड बोल के एक ऑप्शन है, तो ऊपर आप क्लिक करो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका बैंक अकाउंट को लिंकअप करने की, तो एक ऑप्शन देखिए, लिंक ए बैंक अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करो। तो यहाँ पर आपका पेटीएम बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना होगा, जो कि आपको मिलेगा आपके पेटीएम ऐप्स के ठीक नीचे एक बैंक अकाउंट बोल के ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पर आपका पेटीएम बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मिल जाएगा। तो वहाँ पर इसे देख के आप फर्स्ट स्लॉट में अकाउंट नंबर और देन उसके बाद आईएफएससी कोड डाल दीजिएगा, देन उसके बाद कंटिन्यू बटन पर प्रेस कर देना, ठीक है। तो सबमिट बटन पर प्रेस करने के साथ साथ यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पर लिखा रहेगा, पेपल आपका बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए दो स्मॉल डिपॉजिट भेजेगा, 4 से 6 दिन के अंदर आपका पासबुक का अपडेट करके देखना होगा वो अमाउंट कितना है, और फिर यहाँ पर आपको दो स्लॉट दिया जाएगी जहाँ पर आपको अच्छे से फिल करना होगा, और वो जो अमाउंट आएगा 1.01 हो सकता है या फिर 1.05 हो सकता है, कुछ ऐसा अलग अलग अमाउंट आएगा। तो आपका पासबुक को अपडेट करके देखने के बाद ही आपको डालना होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए, कहीं ये दो अमाउंट आप एंट्री मत करो, ठीक है। तो आपका पेटीएम बैंक अकाउंट को लिंकअप करने के बाद आपका पैन कार्ड को लिंकअप करना होगा। तो पैन कार्ड को लिंकअप करने के लिए ऊपर एक नोटिफिकेशन बटन पर प्रेस करो और नीचे एक ऑप्शन देखिए, अकाउंट के नीचे ओके बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करो और फिर यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर टाइप करना होगा। तो आप आपका पैन कार्ड का नंबर को टाइप करो। तो चलो, मेरा पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, और आपका पैन कार्ड का जो भी एड्रेस हो आप सिलेक्ट करके नीचे सबमिट बटन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हाइड किया हूँ। तो आपका पैन कार्ड लिंकअप करने के बाद आपको पर्पस कोड सिलेक्ट करना होगा। तो पर्पस कोड सिलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर आप क्लिक करो और एक ऑप्शन देखिए, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केट रिसर्च, इस पर्पस कोड को सिलेक्ट करो और नीचे सबमिट बटन पर प्रेस करो। गो टू ओवरव्यू पर क्लिक कर दीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक कंफर्म कर लेगा। तो फिर आपका पैन कार्ड को पेपल अकाउंट के साथ लिंकअप करने के 3 से 4 दिन बाद आपका बैंक अकाउंट पर दो स्मॉल डिपॉजिट जाएगा, जो मेरे पेटीएम बैंक पर आया है वो अमाउंट कुछ इस तरीके से है, एक है 1.18 और दूसरा जो अमाउंट है 1.01। तो ये दो अमाउंट को फिल करने के लिए आप चले जाइए पेमेंट मेथड पर और फिर नीचे एक ऑप्शन देखिए, आपका बैंक अकाउंट के ऊपर रेडी टू कन्फर्म बोल के एक ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ही देखिए आपके सामने दो स्लॉट आया है, तो यहाँ पर आपको दो अमाउंट फिल करना होगा। तो मेरे बैंक खाते में जो पहला अमाउंट आया है वो है 1.01। तो चलो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ 1.01, और दूसरा जो अमाउंट आया है वो है 1.18। चलो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1.18। अगर ये दो अमाउंट को फिल करने के बाद आपको रॉन्ग बता रहा तो आप एक काम करो, दो अमाउंट को घुमा के डालो। तो चलो यहाँ पर सही अमाउंट भरने के बाद आप नीचे कन्फर्म बटन पर प्रेस करो और यहाँ पर देखो, मेरा बैंक अकाउंट के ऊपर ऑटो विड्रॉल बोल के एक लिखा है, यानी मेरा बैंक अकाउंट पेपल के साथ बिल्कुल लिंकअप हो गया और कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो यार, बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट पेपल के साथ लिंक तो कर रहा हूँ, लेकिन कोई हैकिंग या फिर कुछ गलत तो नहीं होगा? तो फिर देखो, पेपल एक इंटरनेशनल कंपनी है,
ये बिल्कुल सेफ और सिक्योरिटी है, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट हैक नहीं होगा या जो भी बोलो। तो गाइज मान लो आप 5 स्टार से बैलेंस विड्रो किया तो यहाँ पर वो हिस्ट्री में आएगा और 24 आवर्स तक वो बैलेंस आपका वॉलेट पर रहेगा। 24 आवर्स के बाद वो ऑटोमेटिक विड्रो होके आपके बैंक अकाउंट पर चला जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी मैनुअल विड्रो करने की ज़रूरी नहीं है। और मान लो आपने 5 स्टार से बैलेंस विड्रो किया और बीच में सैटरडे और संडे आ जाते हैं तो वो बैलेंस आपको 2 दिन मिलने में लेट हो सकता है, क्योंकि देखो पेपाल सिर्फ हफ्ते में 5 दिन काम करता है। हो सकते हैं आपको पेपाल पर कंप्लीट बता रहा लेकिन बैंक अकाउंट पर वो अमाउंट नहीं मिल रहा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मंडे में आपको वो बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस पेपाल पर और एक न्यू अपडेट आया है आपका KYC अपडेट को लेकर। तो आप नोटिफिकेशन पर देखो और एक दो ऑप्शन है, एक है GST रजिस्ट्रेशन पिन और दो है KYC अपडेट। तो गाइस देखो जो GST रजिस्ट्रेशन पिन है इनको आप इग्नोर कर दो, जो लोगों के पास GST रजिस्ट्रेशन पिन है वो लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, जिन लोगों के पास नहीं है एंट्री करने की ज़रूरी नहीं है, आपको पेमेंट इसी भी या फिर सेंड करने में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और नीचे जो ऑप्शन है आपका KYC अपडेट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपको बताऊंगी कैसे आपका KYC अपडेट करना है। तो अगर आप इस वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में बेल के बटन को टैप करो। तो गाइस बोलो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक बढ़िया लाइक दीजिए, इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कॉमेंट दीजिए और इस वीडियो को हो सके तो शेयर करो। मैं मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तो तब तक के लिए आप खुश रहे, अच्छे रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।